हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंफर्ट फूड्स बाय सरिता। आज हम बना रहे हैं केरला की एक बहुत फेमस और ट्रेडिशनल डिश अवियल। ये कर्नाटक के साउथ कैनरा रीजन में भी पॉपुलर है। मैं बहुत समय से ये रेसिपी इसी तरह से बना रही हूँ। चाहे जहाँ भी बताएं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो वही रहेंगे, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं नारियल, ज़ीरा, हरी मिर्च और दही एंड ऑफ कोर्स सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों में वेरिएशन हो सकता है। बेसिकली इसमें सूरन और सफ़ेद पेठा खास कर यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास ये दोनों ही नहीं थे। मैंने इसमें जो सब्ज़ियाँ डाली हैं वो है कच्चा केला, आलू, बीन्स, गाजर और ड्रमस्टिक्स, और एक स्लाइस बैंगन का भी था, वो भी डाल दिया। सभी सब्जियों को लंबाई में काटेंगे। ये एक तरह से वेजिटेबल स्ट्यू है और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें जो मेन काम है वो है सब्ज़ी कटिंग का। एक बार सब्जियां कट गई तो फिर ये डिश बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये ड्रमस्टिक्स मैंने पहले ही काट के रख ली हैं। अब हम सब्जियों को थोड़ा पका लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हम पानी उबालेंगे और उसमें डाल देंगे ये हार्ड सब्जियां। पहले वो डालेंगे। कच्चा केला और बैंगन जल्दी पक जाता है, उसको बाद में डालेंगे। अब हम पानी में 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। सब्जियों को उबलते 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कच्चा केला और बैंगन भी डाल देंगे। अब हम मिक्सी में नारियल, ज़ीरा और हरी मिर्च को पीस लेंगे। मैंने 2 हरी मिर्च ली है। नारियल अगर फ्रेश हो तो वो ज़रूर लीजिए। अब पानी डालकर हम इसे पीसेंगे। 1 हरी मिर्च मैंने और डाल दी थी और ये मसाला हमारा पिस गया। अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो फिर पानी शुरू से ही थोड़ा कम रखिए। वैसे इसकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगती है और बॉइल्ड राइस के साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। अब इस कोकोनट पेस्ट के साथ सब्जियों को पूरी तरह पक जाने तक पकाएंगे। थोड़ा नमक कम था, नमक डाल देते हैं और सब्जियां हमारी अच्छी तरह से पक गई हैं। अब यहाँ 1/2 कप के करीब दही डालेंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने के बाद बस 1 या 1.5 मिनट पकाएंगे और इसके बाद गैस बंद कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दही डालने से पहले ही सेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि दही डालने के बाद हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। अब ये पकते हुए 1-1.5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक तड़का लगा देते हैं। इसमें 2 टीस्पून नारियल का तेल डालेंगे। नारियल के तेल से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तेल गर्म होने के बाद राई डालेंगे। साबुत लाल मिर्च 1 या 2, 1 पिंच हींग का और फ्रेश करी पत्ते, और ये तड़का हम अपने अवियल में मिला देंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच नारियल का तेल इसमें मिला देंगे। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। थोड़े करी पत्ते ऊपर से और डाल देंगे और ये हमारा बहुत ही टेस्टी अवियल बनकर तैयार हो गया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।